हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में दिन दहाड़े रावण चौधरा के पास स्थित एक फ्लैट में गत दिनों 55 लाख की चोरी का पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दो की तलाश जारी। 1 जुलाई को पाली के रावण चौधरा स्थित एक फ्लैट में दिन दहाड़े 55 लाख की चोरी को लेकर पाली पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। इस पूरे प्रकरण में 3 आरोपी होना बताया गया है, जिसमें 1 को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना टीम ने दिन रात मेहनत करने के बाद सीसीटीवी फुटेज व्यवसाय पर तकनीक से कड़ी जोड़कर घटना में लिप्त अज्ञात मुलजिम का पता कर घटना में शरीक आरोपी को 1 तारीख को हरियाणा से दस्ताब कर प्रकरण का राजपास करने में सफलता प्राप्त की है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए राहुल कोटोगी पुलिस अधीक्षक पाली, इन्होंने ये कहा। 2020 सुरेश जैन जी के कब देने की बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 55 लाख के सोने, ज्वेलरी और नगद पैसे जो है चोरी करके ले गया। पुलिस द्वारा एडिशनल एसपी साहब, सीओ सिटी और एसएचओ कोतवाली की एक टीम गठित थी, जिसमें साइबर टीम और कांस्टेबल जो साइबर एक्सपर्ट है उनको लगाया गया। और ये सीसीटीवी फुटेज उन्होंने सबसे पहले खंगाला, उस मकान में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी 4-5 जगह वो जा चुके थे अटेम्प्ट करने के लिए चोरी की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। और ये सुरेश जी के घर क्योंकि खाली था, तब जाके ये अंदर घुसे और पूरे जो है सोना वगैरह कैश जो है वो लूट पे चले गए। सर्वप्रथम हमारे लिए बहुत एक ब्लाइंड टाइप थी केस था, क्योंकि उस बिल्डिंग में भी कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं थे, ना ही इनको किसी ने देखा, ना नीचे चौकीदार भी है, उसने भी कोई ऐसे क्लू हमें नहीं दिया। पुलिस की टीम ने कोतवाली एसएचओ और 2-3 कांस्टेबल जो हैं साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हुए गेट आगे तक गए उस फुटेज को लेते हुए पाली में। उसके बाद वो आगे तक पहुँचे हरियाणा तक, तो हमें पता चला कि ये लोग हरियाणा के हैं, बहुत बड़ा गैंग है। जागरूक टीवी के लिए पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट।